एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीएससी रजिस्ट्रेशन का नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, तो इससे पहले हम टैक रजिस्ट्रेशन का सीएससी आईडी के लिए बता चुके हैं कि सीएससी आईडी के लिए टैक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और अगर जो दोस्त हमारे छूट गए हैं वो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमें वेबसाइट खोलनी होगी register.cse.gov.in, जो कि सीएससी की वेबसाइट है। तो दोस्तों आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अप्लाई में जाना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों आपको यहाँ CSE BLE लिखना है और यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको जो है देख रहे हैं टैग सर्टिफिकेट, तो दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां से कॉपी कर सकते हैं। इसको हमने सारी वीडियो में पहले बता दिया है कि कैसे इसे करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम यहां टैग सर्टिफिकेट यहां डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां जो ये मोबाइल नंबर है इनका, वो नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है यहाँ डालना होगा। तो दोस्तों यहाँ ये नंबर हम डालते हैं, और जैसे ये नंबर डालने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये रीकैप्चा दिया हुआ है। रीकैप्चा को दोस्तों हम यहाँ डालेंगे, और रीकैप्चा डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ ये सबमिट करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ सबमिट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि OTP हैज बीन सेंड। तो दोस्तों यहाँ जो है OTP भेजा जा चुका है, तो यहाँ से जो है हम दोस्तों OTP लेंगे, और वो OTP दोस्तों हमें यहाँ डालना होगा। तो दोस्तों हम OTP लेते हैं, और इससे पहले यहाँ दोस्तों हम ईमेल आईडी, इनकी जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे। दोस्तों यहाँ OTP डालते हैं, और OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ रिकैप्चा ये डालेंगे, और देन आपको सबमिट अगेन करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अब यहाँ जो है आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है। यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ इनका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर हम यहाँ डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ स्टेट डालेंगे, जो भी स्टेट है वो स्टेट डालेंगे, और स्टेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। दोस्तों यहाँ से जो है हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर एरिया रूलर है या अर्बन तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे उस पर। तो दोस्तों इसके बाद आप ऑथेंटिकेशन टाइप कैसे रखना चाहते हैं, OTP के माध्यम से रखना चाहते हैं या FMR या IIR, तो दोस्तों OTP इज ए बेटर। और दोस्तों इसके बाद आपको रीकैप्चा यहाँ डालना होगा सेम, और देन आपको यहाँ सबमिट करना होगा। सबमिट के लिए थोड़ा सा इस तरह से प्रोसेस होगा, फिर एक OTP आएगा, SMS, ईमेल, और वो दोनों हमने कर रखे हैं, यहाँ हम टिक करेंगे, और यहाँ से हम जनरेट OTP करेंगे। और जनरेट OTP जैसे ही करेंगे तो एक OTP वहाँ जाएगा, इस रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे आएगा, तो वो दोस्तों यहाँ एक OTP ईमेल वाला, वो मोबाइल वाला जो है यहाँ हम डालेंगे। यहाँ OTP डालने के बाद आपको OTP वेरीफाई करना होगा, और जैसे ही थोड़ा सा वेट रखेंगे, जैसे ही OTP वेरीफाई होगा इसे नो थैंक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ईमेल और ये सारी चीज़ जो है टैक्स रजिस्ट्रेशन भी वेरीफाइड हो चुका है, और यहाँ मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है, और यहाँ ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ आती है कि एप्लीकेंट ईमेल, और देन अब इसे जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ हमें क्योस्क का नेम डालना है, तो यहाँ क्योस्क का नेम डालेंगे। क्योस्क का नेम डालने के बाद यहाँ भी स्ट्रीट या जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ दोस्तों आपको जो भी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत डालनी होगी। जो विलेज पड़ेगा वो विलेज डालेंगे। इसके बाद यहाँ पिन कोड डालना होगा। पिन कोड के बाद यहाँ जो पोस्ट ऑफिस आपका जो डाकखाना है वो डालना होगा। जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पुलिस स्टेशन यहाँ डालना होगा। इसके बाद दोस्तों ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल पैन कार्ड है या कंपनी का है, वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना होगा, और देन आपको ये वेरीफाई करना होगा। जैसे ही दोस्तों ये वेरीफाई हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि पैन वेरीफाई सक्सेसफुली, नेम मैच 100%। और इसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स डालनी होंगी। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट आप क्लिक करेंगे, और करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ आप HDFC
का जो भी जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड डालेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद जो भी चेक आपका है वो यहाँ अपलोड करना होगा। ध्यान रहे 30 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए उसका साइज जो है। और इसके बाद दोस्तों जहाँ आधार या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है KYC के लिए, नो योर कस्टमर, तो दोस्तों वो यहाँ से आप ब्राउज करेंगे और उसका जो साइज है वो 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इनको जो है दोनों को अपलोड करेंगे और डिक्लेरेशन जो दे रखा है इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। देन आपको यहाँ सबमिट करना होगा और जैसे ये सबमिट होगा, सबमिट के बाद आप देख रहे हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दोस्तों ये आ चुका है। और इस तरह से जो है एक CSE ID के लिए, और ये नीचे सारी डिटेल्स दे रखी हैं, इस तरह से एक CSE सेंट्रल लेने के लिए दोस्तों इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे सभी दोस्त CSE सेंटर कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख जाएंगे। और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है, क्लियर होती है, तो देन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करने की। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।